नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। बेंगलुरु में आईटी विभाग की छापेमारी होती है तो दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को गुस्सा आ जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब राज्यसभा चुनाव के लिए हो रहा है, क्योंकि जिन विधायकों की मेजबानी का जिम्मा कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार को सौंपा गया है वो आयकर विभाग के निशाने पर आ गए हैं। बेंगलुरु और दिल्ली समेत देश के कई शहरों में डीके शिवकुमार के करीब 39 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की और 9 करोड़ रुपए बरामद किए। लेकिन क्या छापेमारी महज संयोग है? क्या इसका गुजरात के राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? क्या डीके शिवकुमार को गुजरात कांग्रेस के विधायकों की खातिरदारी की सजा दी गई? कांग्रेस ने छापे को बदले की कार्रवाई बताते हुए संसद में जोरदार हंगामा किया। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि छापे का गुजरात चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और किसी को कांग्रेस विधायकों का मेजबान बनने से गैर कानूनी पैसा रखने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। सरकार भले ही सफाई दे लेकिन ये छापे कहीं ना कहीं गुजरात के चुनाव से जुड़े हुए दिखते हैं। दरअसल बीजेपी ने राज्यसभा में सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की एंट्री रोकने के लिए इस बार जोरदार तैयारी की है। पहले शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी से अलग हुए और इसके बाद कांग्रेस से अलग होने वाले 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन 3 विधायकों में से एक को अपना राज्यसभा उम्मीदवार भी बना दिया। इसके बाद अपने विधायकों को बीजेपी की तोड़फोड़ से बचाने के लिए ही कांग्रेस को उन्हें बेंगलुरु भेजना पड़ा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हर विधायक को बीजेपी 15 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। जाहिर है पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आज की आयकर विभाग की छापेमारी को गुजरात के चुनाव से अलग नहीं किया जा सकता और आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में मैं आपको बताता हूं, पहले आप रिपोर्ट देखिए। Everybody knows it's in public domain that the minister and his brother, who is an elected representative, have been coordinating the safety and the stay of the Gujarat MLAs. That's why it is a targeted timing. In that resort where your MLAs are staying, no search has taken place, no MLA has been searched, a particular individual was to be searched. He had gone and parked himself in that resort. So the authorities, because they had to confront him with the recovery. क्या भाजपा बताएगी कि ये सही नहीं है कि विधायक सामने आए और उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर सरकारी अधिकारियों के माध्यम से उन्हें दिया गया, विधायकों को उठा कर ले जाया गया, उनसे जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। क्या ये प्रजातंत्र का गला घोटना नहीं? ये उसकी हत्या नहीं? परंतु इन षड्यंत्रों के आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना अंग्रेज के आगे झुकी ना आज के काले अंग्रेजों के आगे झुकने वाली। शिवकुमार जी कर्नाटक सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री हैं। उनके ही आतिथ्य में गुजरात के 40 एमएलए एक महंगे रिजोर्ट में ठहरे हुए हैं। हो सकता है कि रेड का टाइम पॉलिटिकल हो, लेकिन अगर उनके विरुद्ध कुछ मामले बनते हैं, कुछ रहस्य निकलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण होगा और हमें उसका इंतजार है। हमारे विधायकों को डराया गया, धमकाया गया, गुजरात के अंदर क्यों किया गया, हरकतें क्यों की गई? 10-10 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं उन लोगों को और आज वो वहां रुके हुए हैं, तो उसी दिन एक मंत्री के यहाँ रेड करना, वहां पर उनको जाकर के उनके कमरे में रेड करना, वो क्या इंगित करता है? तो ये लोकतंत्र की जो महान परंपरा रही है 70 साल तक, उसको ये डैमेज करना चाहते हैं, मैं उनकी बहुत कंडेम करता हूँ। कांग्रेस की पाप की घड़ा फूट चुकी है, उनकी अंदरूनी कलह, उनकी पार्टी के अंदर असंतोष और उनकी नाकामी जब सामने आ रही है, भाई कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई टैक्स चोरी करेगा, क्या उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निगरानी नहीं करेगी, उनके ऊपर जांच नहीं होगी? आज बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या इनकम टैक्स रेड का राज्यसभा चुनाव से कोई संबंध है? दूसरा सवाल, छापे से कांग्रेस में डर क्यों है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी डराने के लिए ऐसा कर रही है? और बिग स्टोरी बिग डिबेट का आज का चौथा सवाल, क्या अहमद पटेल जीत पाएंगे चुनाव?
और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है पैनल में मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ के शर्मा है, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ अमन पवार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राजीव रंजन हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। मेरे साथ नवाब मलिक साहब हैं, एनसीपी के प्रवक्ता। पंखुड़ी पाठक है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ। और अवधेश कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमन पवार से शुरू करूंगा। अमन, क्या दिक्कत है अगर किसी ने इनकम टैक्स की चोरी की है और इस आरोप में उसके यहाँ इनकम टैक्स विभाग छापा मारता है, तो अगर वो कांग्रेस के विधायकों का मेजबान हो, किसी सरकार में मंत्री हो, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क जो पड़ता है वो फर्क है टाइमिंग का। और आपको मैं कुछ आंकड़ों के साथ ये बताना चाहूंगा कि गुजरात में एक राज्यसभा सीट के लिए 46 MLAs का वोट जरूरी है। बीजेपी के पास 120 MLA हैं गुजरात में, उसके बावजूद बीजेपी ने 3 नॉमिनेशन गुजरात से दिए, यहां की उनके पास वो नंबर नहीं थे। अब वो नंबर कंप्लीट करने के लिए बीजेपी ने, ये कर्नाटका में नहीं, उससे पहले ही हमारे जो MLAs थे जब वो गुजरात में थे उन पर हर चीज का दबाव उन्होंने बनाया, डराया, धमकाया। और मैं एक इसमें घटना आपको बता देता हूँ। एक हमारे MLA थे मिस्टर गनविथ, उनको एक IPS ऑफिसर हैं NK अमित, उन्होंने किडनैप किया और अपने घर ले गए। उनको कहा कि मैं आपकी अमित शाह से बात कराता हूँ, 15 करोड़ रुपए आपके घर पहुंच जाएंगे, आप कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दो। उन्होंने वहां पे जब मना किया तो उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की गई और उनको वहां से छोड़कर एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस वहां से उनके घर से लेकर के वहां से भागना पड़ा और वो बड़ी मुश्किल से अहमदाबाद पहुंचे। तो इस तरीके के जो तंत्र यंत्र जो है उन्होंने, ये बिल्कुल, ये आप मीडिया में आपके सामने, आप लोगों के सामने, हाँ, इसकी कंप्लेंट भी उन्होंने दी है, लिखित में कंप्लेंट दी है। और मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि ये इस तरीके के तंत्र मंत्र जो है बीजेपी राज्यसभा चुनाव से पहले जो है इस्तेमाल कर। अब मेरा कहना यह है कि जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान कहता है कि जो भी चुनाव होगा वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा। ठीक है, जो ये संविधान प्रक्रिया है इसको आज CBI, IT, ED इन एजेंसीज का इस्तेमाल करा के इस संविधान प्रक्रिया को जो भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रही है उसका, आप मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दे पाया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर कोई गुजरात के कांग्रेस विधायकों का मेजबान है, अगर कोई कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में मंत्री है, तो क्या ये उसके लिए इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी है, और क्या उसको 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 उसको, उसको क्या छापेमारी से निजात मिल जाती है? मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं, मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इम्यूनिटी है शिवराज चौहान को, क्या इम्यूनिटी है रमन सिंह को, क्या इम्यूनिटी है भाजपा के बाकी सारे जो नेता जो हमारे आज के दिन में संसद में जो बैठे हैं? 28% ऐसे नेता है जिनके ऊपर जो गंभीर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वहां पे CBI और ED का क्यों नहीं प्रयोग होता? और यहां पर भी अगर प्रयोग हो रहा है तो आप करिए, जांच करिए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम टाइमिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा का इलेक्शन है, सवाल उठा रहे हैं, क्यों तिल मिला रही है बीजेपी की 8 तारीख से पहले ये सारे इनको करनी थी, लेकिन कांग्रेस को इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? सवाल तो ये भी है, लेकिन के शर्मा साहब, आप लोग इतना तिलमिला गए, मैं बीजेपी से सवाल लेता हूं आपका। के शर्मा साहब, आप लोग इतना तिलमिला गए हैं कि अब आप कांग्रेस के विधायकों को जो मेजबानी करते हैं उनके ऊपर आप लोग इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़वा देते हैं, ये कांग्रेस कह रही है। टाइमिंग है, टाइमिंग को देखते हुए, गुजरात चुनाव को देखते हुए ये सब कुछ किया गया। गौरव जी, मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि कांग्रेस का यह संकट क्षेत्रीय संकट नहीं, कांग्रेस का यह संकट जो है राष्ट्रीय संकट है। आज जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसकी विफलता, उसकी निष्क्रियता, उसकी अदूरदर्शिता और जनता के बीच जो उनकी पहचान है, उस दृष्टि से इनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, कांग्रेस के विधायक हों, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हों, उनमें एक घोर निराशा का भाव है। और इस कारण से जो है इनके यहाँ ये पूरी जो है बौखलाहट मची हुई है। आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस पहले दिन से, जब से ये घटनाक्रम प्रारंभ होता है, पहले जब ये अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रणदीप सुरजेवाला जी बैठ के, दो विधायक साथ में बैठा के, तो वो कहते हैं कि साहब जो है हमें 5 करोड़ रुपए का ऑफर हुआ। इसके बाद ये पूरी टीम लेके पहुंच जाते हैं बेंगलोर, बेंगलोर में पहुंच के वहां शक्ति सिंह गोहिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब वहां पर इनकी 5 करोड़ का रेट बढ़ के 15 करोड़ हो जाता है। अब अभी आप गहलोत साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब 10 करोड़। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सबूत है आपके पास, किसी ने आपको फोन किया होगा,
किसी ने आपसे बात वो किया तो कह रहे हैं आईपीएस ऑफिसर ने किडनैप कर लिया, आप कह रहे हैं फोन किया होगा आईपीएस आपके सामने कह रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी ने किडनैप किया उनको, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से भागना पड़ा जान बचाकर वो अहमदाबाद है और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर भी कराई है इसकी। आज साहब मीडिया इतनी तेज है, किसी को आप किडनैप कर लोगे इस ढंग से, वो भी विधायक को किडनैप कर लोगे, दो मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। एक कहीं पर ये इनके पास तथ्य हो सबूत हो तो ले जाए सामने, राइटिंग में दिया गया है, मीडिया के सामने बताया गया है, आप अपनी आंखें बंद कर ले, इसका मतलब ये नहीं है कि घटनाक्रम नहीं घटा। केवल एक बयान दे, एक मिनट भाई साहब मैं बोल लेता हूँ। इनके सारे नेता केवल अपने से ही, इन्हीं के विधायक कह रहे हैं साहब हमको ये कर लिया, हमको ये हमको ऑफर कर दिया, नहीं, वो कर दिया। सर ठीक है, नहीं शर्मा साहब, शर्मा जी सीधा सवाल डीके शिव कुमार के यहाँ इससे पहले छापा क्यों नहीं पड़ा और इससे बाद छापा क्यों नहीं पड़ सकता था, उसी वक्त जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा हो, उसी वक्त जब उसके लिए वो कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बचा के रख रही हो कर्नाटक के एक बेंगलुरु के रिजॉर्ट में, उसी रिजॉर्ट में उसी जगह छापा, क्या ये सवाल नहीं उठाता? गौर जी मैं अभी इसी उत्तर पर आ रहा था। आप स्वयं समझते हैं आप मीडिया क्षेत्र में हैं और आपने एक नहीं कई छापे कवर किए होंगे, क्या छापे की तैयारी एक दिन में और एक घंटे में हो जाती है? ये जो छापे हैं तो इसकी तैयारी एक घंटे से ही ठहरे थे ना सर, विधायक भी 40 एक मिनट सुनिए, वहां दो दिन से विधायक है ना, 40 जगह छापे पड़े हैं आज, और 40 जगह छापे पड़ने में कितना जो है विभागीय कर्मचारियों की अधिकारियों की जरूरत है, कितनी सेना सॉरी कितनी उसमें पुलिस लगती है, सारी ये व्यवस्था ये आज से नहीं है, ये जनवरी से चल रहा है। तो एक फैक्ट और पुलिस अधिकार जो है कंटिन्यूटी में ये प्रोसेस है, इसमें आईडी और ईडी ये नहीं देखता कि आप विधायक की मेजबानी कर रहे हैं कि मेहरबानी कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कर रहे हैं। ठीक है, और जिस रिसोर्स की ये बात कर रहे हैं अभी जिस शिव कुमार जी के इंसिडेंट की, ये खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मिनट, ये जो जहां ये रुके हैं जिस रिसोर्ट में, इस पर दो दिन पहले कर्नाटक की सरकार ने 982 करोड़ रुपए की पेनल्टी, 77 एकड़ जमीन अनरेगुलर सिस्टम से जो इन्होंने कब्जा करके ये बनाया है, इसके लिए नोटिस दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, ओके मैं आता हूं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जहां मतलब दो दिन पहले की सरकार वही जगह मिला दिक्कत नहीं है और वही एक नेता मिला जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के जिसके ऊपर अवैध धन काले धन का एक मिनट ओके सर ओके जांच हो रही है। ओके मैं राजीव रंजन आपके पास आता हूँ। राजीव रंजन, तो फिर इस लॉजिक से जो कांग्रेस लॉजिक दे रही है, फिर तो बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे उनके परिवार के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई वो भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बिहार में जो कुछ हो रहा है उससे जोड़ के देखी जा सकती है। फिर तो इस लॉजिक से इस देश में जहां जहां चुनाव हो उस राज्य में या उस राज्य से जुड़े लोगों के यहां छापेमारी या इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई ना करे, जो कांग्रेस का लॉजिक है। फिर देखिए, सबसे पहली बात है, जब भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज की दबिश बढ़ेगी तो उसको राजनीतिक कारणों से जोड़ा जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आज भ्रष्टाचार को लेकर के जो एक आम आदमी की चिंताएं हैं उसका समाधान भी करने की जिम्मेवारी सिस्टम पर ही है, और जिस तरह से बिहार की घटनाओं को राजनीति से प्रेरित बताया गया, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर हो और उन एफआईआर में बिंदुवार संपत्ति के ब्यौरे दर्ज किए गए हो, तो सबसे साधारण तरीका ये होना चाहिए कि उनका बिंदुवार आप प्रतिवाद करें कि ऐसी कोई संपत्ति आपके पास नहीं है, राजनीतिक तौर पर कोई कारण हो सकता है, प्रतिशोध की भावना हो सकती है, लेकिन अगर आप बेगुनाह हैं, आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, तो आपके पास यह आधार है कि आप सार्वजनिक जीवन में आप अपने आप को पाक साफ साबित कर सकें। ठीक है, जहां तक बिहार का मसला है वो बिल्कुल साफ है, और दूसरी तरफ अगर आप कर्नाटक की बात देखें तो बंगरप्पा साहब के जमाने के ये नेता हैं और उस दौर में भी संकट मोचन की भूमिका में रहे हैं, संसाधनों का उपयोग ये बराबर करते रहे हैं, और इस बार भी जो भी आरोप थे वो एक मिनिस्टर के यहाँ इंटरोगेशन के दौरान डीकेएस करके डायरी में एक नाम आया था, और उसके बाद इनके बाकी ठिकानों पर छापे के बाद सर कांग्रेस टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। मैं ये तो मान ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछ रहा कि केस की मेरिट क्या है, केस की मेरिट पर सवाल नहीं उठा रहे, ये सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग बहुत अहम है, जब गुजरात में चुनाव होने हैं, राज्यसभा चुनाव होने हैं, एक के बाद एक एमएलए टूट के बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर ये बीजेपी निशाना बना रही है, वो ये कह रहे हैं, वो चाह रही वो कह रहे हैं कि अहमद पटेल को बीजेपी राज्यसभा नहीं चाहती कि वो जाए, इसलिए ये सब हो रहा है। गौरव जी, देश में लगातार चुनाव होते रहेंगे, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं हो पाएगी। लड़ाई के लिए जो अगर मन बनाना है तो निश्चित तौर पर चाहे वक्त कोई भी हो,
अगर आपके खिलाफ आरोप है अपने आप को पाक साफ साबित कीजिए, ये बहानेबाजी का दौर अब नहीं चलेगा। अगर गुजरात में विधायकों के अंदर असंतोष है तो उस पर उसको पहचानिए किस वजह से है, इसके लिए ढकने की जरूरत नहीं है और इसके लिए आज के छापों को लेकर के किसी राजनीतिक बहस की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं बनती है कि भ्रष्टाचार से अब पूरा देश परेशान है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार से निपटना है नवाब मलिक साहब, तो चुनाव अपनी जगह और छापेमारी अपनी जगह, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कोई बड़ा कारोबारी हो और चाहे वो कोई हवाला कारोबारी हो। चुनाव जम्मू कश्मीर में अगर होंगे तो क्या वहाँ जो NIA काम कर रही है वो रुक जाए, चुनाव अगर गुजरात में होंगे तो वहां अगर कोई बेनामी संपत्ति वाला है तो उस पर कार्रवाई ना की जाए, क्या ये संभव है नवाब मलिक साहब? नहीं देखिए, आपने कहा कि चुनाव जो छापे हैं वो टाइमिंग पे सवाल उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो महोदय हैं उन्होंने कहा कि ये तैयारी आज की नहीं बहुत दिनों से हो रही थी। अगर हो रही थी तो पहले क्यों नहीं छापेमारी हुई, हो रही थी तो चार दिन बाद क्यों नहीं हो सकता था, अभी क्यों आ गई? देखिए ये सारे जो घटनाक्रम है, जो राज्यसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं राज्यसभा के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तोड़फोड़ होगी, इस आधार पे तीसरा उम्मीदवार उतारा गया। दल बदल विधेयक में स्पष्ट है कि एक ही मात्र ऐसा चुनाव है जहां मतदाता जो MLA है वो चुनाव में वोट किसे डाल रहा है वो प्रतिनिधि को बताएगा, अगर उसने व्हिप के खिलाफ वोट डाला तो उसका चुनाव रद्द हो जाएगा, ये एकमात्र चुनाव है। जब गुजरात में बीजेपी को पता है कि नंबर उनके साथ नहीं तो तीसरा उम्मीदवार जब उतारा गया तो इससे साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं धन बल ताकत हर चीज का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए सारे सवाल तो उठाए जाएंगे। सर कौन सी पार्टी है जो धन बल और ताकत का इस्तेमाल करके चुनाव नहीं जीतती है? नवाब मलिक साहब, क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तब छापेमारी नहीं होती थी इस देश में? क्या कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि CBI पिंजरे में बंद होता है? और जब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है हमें डराने के लिए, तब तो सर उस वक्त जो छापेमारी हुई और उस वक्त जो राजनीतिक छापेमारी हुई उस पर भी ये माने कि उस वक्त भी उस वक्त की सरकार ने ये किया होगा? देखिए तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका दुरुपयोग होता है, ये चर्चा का विषय नहीं। चर्चा है कि गुजरात में क्या बीजेपी तीसरा उम्मीदवार जीता सकती है, दल बदल विधेयक के तहत चुनाव होगा तो क्या उनका उम्मीदवार जीतेगा? नहीं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं तोड़फोड़ हो रही है। नोटा का प्रोविजन जो कहीं ना कहीं दल बदल विधेयक को लेकर अल्ट्रा वायरस है उसका भी इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। तो हर प्रकार से चुनाव जीतना ये उद्देश्य है। ठीक है, और जब इस तरह के हालात बन रहे हैं और जब वहां से विधायक रिजॉर्ट में है वहीं छापेमारी होगी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। नहीं, ये तो क्लियर किया गया। पंखुड़ी पाठक में आपके पास आता हूं, मैं आता हूं, एक मिनट। मंत्री को परेशान किया जा रहा है, पंखुड़ी पाठक मैं आ रहा हूं, सर मैं आ रहा हूं। तो कोई सवाल नहीं, एक विषय क्लियर कर लीजिए कि वहां पर रिजॉर्ट में कोई छापेमारी नहीं हुई। वही कहने वाला, मैं पंखुड़ी पाठक से सदन के अंदर बयान देकर एक मिनट डिबेट ओपन करता हूं पंखुड़ी पाठक से एक रिएक्शन लेके, क्योंकि सबका रिएक्शन मुझे लेना होता है पहले, और पंखुड़ी पाठक और अवधेश जी का रिएक्शन अभी ले नहीं पाया हूं। पंखुड़ी, तब तो फिर जो बात यहां पे ये कह रहे हैं सर, इस हिसाब से तो फिर हम, जैसा मैं कह रहा था, इससे पहले जो भी चुनाव हुए, इससे पहले जो चुनाव से पहले छापेमारियां हुई उन सबके बारे में सवाल उठाना चाहिए। आज ही की छापेमारी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? फिर तो जो इससे पहले पार्टियों ने कहा उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था। गौरव जी, देखिए सरकारी एजेंसियां समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाती रहती हैं, छापेमारी भी चलती रहती है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यहां पर जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठते हैं, और यहां पर सिर्फ एक छापेमारी का सवाल नहीं है, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से धन बल का और किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है एक राजनीतिक फायदे के लिए, और जिस तरह से गुजरात में हमने देखा कि जो आरोप वहां पे MLA लगा रहे हैं, अगर DK शिव कुमार पर आरोप है और इनकम टैक्स विभाग को मेरिट लगता है, छापेमारी की मांग नहीं है। बात ये है कि जहां पर विधायक लॉस्ट हैं, जहां विधायक रह रहे हैं, जो वित्त मंत्री का प्रयोग करके डराया जा रहा है, सर संसद में वित्त मंत्री ने कहा कि रिजॉर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप अपनी आत्मा करना चाहते हैं
बातें तो दूसरी बातें, हमने वीडियो रिलीज करी है कि जिस रिजॉर्ट में विधायक रह रहे हैं वहां पर आईटी को भेजा गया है, वहां सीआरपीएफ घूम रही है, जिस रिजॉर्ट में विधायक रह रहे हैं बिल्कुल वहां पर आपके नेता जाके क्यों छुप के बैठे हैं, हमारे विधायक अरे आप मुझे बताइए, आप 3.5 साल हो गए आपको सरकार में आए हुए, आज आपको छापा मारने का दिन मिला है, 3.5 साल से क्या कर रही थी आपकी सरकार, शिव कुमार जी का वहां घर है, आप इतने क्यों घबराए हुए हैं, आप राजस्व आप राज्यसभा जाके छुप जाएंगे, आज मोदी सरकार को आए हैं 3.5 साल हो गए, अभी तक मेरे ख्याल से पंखुड़ी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आते हैं। पंखुड़ी जो बात के शर्मा कह रहे हैं कि डीके शिवकुमार को वही रिजॉर्ट मिला था, और अगर डीके शिवकुमार कांग्रेस विधायकों की आड़ में छुपना चाह रहे हो तो इनकम टैक्स विभाग छुपने दे, और जब वित्त मंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई रिजॉर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, विधायकों के बाहर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, डीके शिवकुमार पर कार्रवाई, सर मैं अभी आता हूं आप बोलिएगा एक मिनट। गौरव जी देखिए ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जो विधायक वहां पे मदद कर रहा है, और गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं जो आरोप उनने लगाए हैं वो गंभीर आरोप हैं कि अगर उनको किसी तरह से रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है या उनको धमकाया जा रहा है डराया जा रहा है तो ये बहुत गंभीर आरोप है और इन पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वहां पर जब उन्हें एक दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और जो व्यक्ति वहां पर इंतजाम कर रहा है और उसी छापेमारी होती है चुनाव से ठीक पहले, तो उस व्यक्ति पर आरोप है, इसमें सवाल खड़े होते हैं, ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे कि 9 करोड़ रुपए उसके ठिकाने से मिला है, नहीं है। देखिए उस पे जो कार्रवाई हो उस पे कोई हम लोग उस पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, अगर व्यक्ति वहाँ पे गलत है वही कार्रवाई मिला है करने के लिए, पूरे कर्नाटक में और कोई नहीं मिला था, क्या ये एक डराने की देखिए ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में और कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, व्यापम पे क्यों नहीं होता, केरला में आप देखिए अभी अभी मेडिकल कॉलेज का स्कैम सामने आया है, छत्तीसगढ़ में आपके यहाँ की जांच हो रही है, पंखुड़ी जी चिंता मत कीजिए, आपके यहाँ सारी सीबीआई को केस दिया है, हमारी जांच में आप फेल हो रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी की जांच आगरा हाईवे से लेके गोमती रिवर फ्रंट तक का सबका जांच हमने दिया है, अभी तक जिस तरह से अभी तक की जांच में जैसा आप कुछ नहीं निकाल पाए कुछ नहीं निकलेगा, चलिए ठीक है ये वक्त बताएगा क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, लेकिन डीके शिवकुमार के यहाँ से 9 करोड़ रुपए निकला, एक मिनट अवधेश जी क्योंकि गुजरात में चुनाव है और डीके शिवकुमार उन विधायकों की मेजबानी कर रहे थे जो कांग्रेस के गुजरात के विधायक हैं, और क्योंकि एक एक करके 6 विधायक बीजेपी में चले गए इसलिए ये इनकम टैक्स छापेमारी की गई है, और टाइमिंग गलत है, टाइमिंग पर सवाल उठा रही कांग्रेस, वाकई टाइमिंग पर सवाल उठता है, नहीं देखिए टाइमिंग पर सवाल उठाना एक राजनीतिक जो है ये केवल मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक स्टैंड है, किसी भी भ्रष्टाचारी पर छापा मारने के लिए टाइमिंग का कोई मायने नहीं है, एक साल से उस आदमी पर केस चल रहा है, और मैं शर्मा जी के बाकी बात से असहमत हो जाऊं लेकिन ये बात तो ठीक है कि 120 उसमें लगे हैं आईटी के कर्मचारी, 39 जगह छापे मारे गए हैं, वहां तो 28 को रिसोर्ट में एमएलए गए हैं, तो 3 दिन में इतने बड़ी छापेमारी की व्यवस्था नहीं हो सकती है, हम लोग भी पत्रकार है हमारा इतना अनुभव है, जाहिर है इसकी तैयारी पहले से हुई होगी, सवाल यह है कि डीके शिवकुमार के बारे में अगर यह बात है कि उनकी घोषित आय से उनकी वास्तविक संपत्ति ज्यादा है, उन पर मामले हैं, उन पर आईटी पहले जो है उनको नोटिस दे चुका है, उनसे पहले पूछताछ करने की कोशिश की गई है, तो इसमें टाइमिंग कहां से आ गया, टाइमिंग तो कोई भी हो सकता है, अब सवाल यह है कि आप रिजॉर्ट में ले गए हैं, ये कांग्रेस की अपनी समस्या है कि अपने घर में फूट है उसको बचाने के लिए अपने विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाकर बचाने ले गई है, इसके लिए आईटी छापा ना मारे कि क्या, और सरकार छापे को रोक दे कि हमारे टाइमिंग पर सवाल उठेगा तो फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं हो सकती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पर नैतिक प्रश्न तो उठ सकता है कि कांग्रेस के लोग वहां से निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको शामिल कर सकती है, हालांकि दूसरी पार्टी होती तब वो भी यही करती है। और ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कांग्रेस से कि डीके शिवकुमार के बारे में आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके पैसे निकले जो आप शिवकुमार और डीके शिवकुमार के छापे पर आप जो सवाल उठा रहे हो उसे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को डिफेंड कर रही है। नहीं कल ही फैसला आया, एक मिनट सर अमन पवार, एक मिनट, मैं कह रहा हूं 9 करोड़ का जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं ये पूर्ण नहीं है। अभी रुपए की काउंटिंग चल रही है, मशीनें आई है, रुपए गिने जा रहे हैं कि कितने रुपए छापेमारी में निकले हैं, मैं समझता हूं कि ये कल तक साफ हो पाएगा। देखिए कांग्रेस के समय का कल एक बड़ा फैसला आया हुआ है सोहराबुद्दीन मामले में, आप सबको मालूम है कि सोहराबुद्दीन मामले को सीबीआई ने कांग्रेस के समय
समय में इतना बड़ा मामला बनाया था और पुलिस अफसर सब जेल गए थे। कल सीबीआई की मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने उसमें बता दिया है कि सीबीआई ने झूठा केस किया था, यह फर्जी मुठभेड़ नहीं था और उसने डीके बंजारा को बरी कर दिया। तो जब सवाल है कि आप दुरुपयोग तो कांग्रेस के समय में नहीं, मैंने तो बोला यही सवाल पूछा, लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं पवार साहब, ये आपको नहीं लगता कि एक मैसेज जा रहा है देश में कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए कांग्रेस के सारे बड़े नेता खड़े हो गए, आज संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस उसको उसके लिए तिलमिला रही है, और ये मैसेज नहीं आता कि डीके शिवकुमार के ऊपर आप कार्रवाई करें बल्कि आप उसको बचा रहे हैं? देखिए मुझे बड़ी हैरानी हुई जिस तरीके का तर्क अभी अवधेश जी ने दिया, और जो आपका सवाल है उसके बारे में मैंने पहले भी ये कहा कि अगर डीके शिवकुमार पे किसी भी तरीके का आरोप सिद्ध होता है तो अपनी जो ये जितनी एजेंसीज हैं आईटी है सीबीआई है जो भी एजेंसीज हैं जो मोदी साहब ने अब लगाई हैं वो अपनी पूरी तरीके से कार्रवाई करें, जो उसमें कानून के तहत कार्रवाई में तो वो भी मिले। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को बात करने दीजिए पूरी एक मिनट। अभी के शर्मा साहब ने कहा कि इसकी जांच बड़े लंबे समय से चल रही थी, अगर बड़े लंबे समय से चल रही थी तो 3 साल हो गए आपकी सरकार को केंद्र में आए हुए, आपने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, या ये एक्शन आपने जब ही सोच समझ के क्यों लिया कि जब डीके शिवकुमार ने यहां पर कर्नाटका में जो जितने हमारे विधायक हैं उनका अरेंजमेंट उन्होंने किया, किस तरीके का डर आप फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब तक आप क्यों सोए बैठे थे, अब तक आप क्यों चुप्पी साधे बैठे थे अगर डीके शिवकुमार जो है सबसे भ्रष्ट आदमी आपको आज के दिन में दिखाई दे रहे हैं। सब में यही मसला होता है, एक मिनट तिलमिलाइए मत शर्मा साहब, 8 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है, जो चुनाव में वहां पे मतदान करने वाले हैं उनका जो सारा वहां पे रहने का जो प्रबंध है वो डीके शिवकुमार ने किया हुआ है। अगर तो वहां पे मेरी दूसरी बात, अमन आपके लॉजिक से तो कार्रवाई होती है, गुजरात के कांग्रेसी विधायक को जहां पर निशाना बनाना था उनके यहां छापे मारी हो जाती है, जहां एमएलए रह रहे हैं, जिस रिजॉर्ट में एमएलए रह रहे हैं वहां तक आप सीआरपीएफ भेज रहे हैं, वहां पे आप आईटी डिपार्टमेंट भेज रहे हैं, हमने भी अपने विधायक है, अरे सर आप कैसे बात कर रहे हैं, कोई छापेमारी नहीं हुई है, खबर है पत्रकार वहां खड़े हैं, सही तो ऐसी बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट आ रही है, हम लोगों के भी दोस्त हैं वहां, सबने यही कहा कि किसी एमएलए के से कोई पूछताछ नहीं है वहां, केवल डीके शिवकुमार को वहां ठीक है। आप तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने, जिनके ऊपर छापा डाला गया है उनसे भी हमें इन्फॉर्मेशन आई है, वो जब खुद बता रहे हैं कि हमारे कमरों में से निकाल निकाल कर हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, झूठ तो मतलब आपकी बात का मतलब निकाले डीके शिवकुमार निर्दोष है, उन पर कर्नाटक का सबसे अमीर सबसे बाहुबली कांग्रेसी विधायक जो कि मंत्री है, जो कि मंत्री है, जो कि अपने यहाँ 44 विधायकों को रखता है रिजॉर्ट में, अगर वो आरोपी है तो उसके यहाँ छापेमारी मत मारिए, मैं बोल रहा हूँ छापे मारिए, सूली पे लटकाइए उन्हें, पर 3 साल से अगर ये कह रहे हैं हमारी सरकार जब से आई है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जब राज्यसभा का चुनाव गुजरात में आया उसी दिन आपको ये छापे मारने की जरूरत हम रॉबर्ट वाड्रा पे केस निकालते हैं, हम चिदंबरम के बेटे पे छापा मारते हैं, आप कहते हो हम वीरभद्र पे कार्रवाई करते हैं, वहाँ आपके थोड़ा अच्छा जवाब दे पाएंगे, वो कहते हैं कि हमारी जो टीम्स है जिन्होंने छापा मारा उनको इतना टाइम तो लग ही जाता कि इतने कम समय में नहीं हो पाता ये, इसलिए वो लंबे समय से कर रहे थे। मेरे ख्याल तो से मतलब शर्मा साहब इससे अच्छा जवाब नहीं 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 इस हिसाब से तो इस हिसाब से तो 3 साल से आपकी सरकार बैठी हुई आज तक आपको छापा मारने कानून अपना काम करेगा, कानून समय से काम करेगा, कानून सब पर कार्रवाई करेगा, कोई पूर्वाग्रह से नहीं करेगा, लेकिन आप जब जब इसके घेरे में आते हैं आपको टाइमिंग समझ में आती है आपको, ये क्योंकि आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता। फिर गौरव जी एक बात बताता हूँ आपको, इनको केवल कर्नाटका में इनकी सरकार है, केवल एक ये जो भ्रष्ट व्यक्ति है यही उसके चाय और पानी पिलाने के लिए मिला, इसी का रिजोर्ट जिसको ये अभी 950 करोड़ रुपए की नोटिस इनकी सरकार दे रही है वही जगह इनको मिला कि वहां पर इनको ठहराए। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये सब मसला नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस पूरे चर्चा के एक थोड़ा सा गंभीर विषय पर बात करने के लिए निवेदन करता हूं। देखिए कल ही जो है अहमद पटेल जी का एक बयान आया है, आप समझिए पूरा मसला क्या है, ये पूरा प्रकरण जो गुजरात का चल रहा है।
कल ही अहमद पटेल जी ने एक बयान देकर ये कहा है कि साहब हम तो बाघेला जी को राज्यसभा देना चाहते थे लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया साहब, इसलिए जो है वो हम मेरे को जो है वो राज्यसभा लड़ना पड़ा। वास्तविक स्थिति ये है कि इनके विधायक गुजरात के वो उनमें असंतोष है, उनमें अहमद पटेल जी के राज्यसभा सांसद पद को लेकर उनमें असंतोष है और वो इनको जो है नहीं भेजना चाहते और ये उसकी पूरी कवायद के लिए लगातार झूठ, लगातार कहीं 15 करोड़ कहीं 10 करोड़, अरे अपने से इन्हीं के विधायक जो बोल रहे हैं वो सच, जो ये कह रहे हैं वो सच, कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन बस केवल झूठ बोलना है। मैं ये कह रहा हूँ ये बयान देने की जरूरत उनको क्यों पड़ी, क्यों अहमद पटेल को सफाई देने, अहमद पटेल जी को सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि बाघेला जी के साथ में 10 विधायक उनके साथ निकल के बाहर गए। मैं शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जीपी छोड़ के जा रहा है, इनका प्रतिपक्ष का नेता छोड़ के जा रहा है और ये हमको बता रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं। गौरव जी वो हमको कम से कम यहां पे साहब इस तरह का बयान कम से कम ज्ञान ना दे, आप ज्ञान देना बंद कर दीजिए, हमें अपनी पार्टी कैसे संभालनी है हम संभालेंगे, आप हमारी पार्टी के इंटरनल अफेयर में मत घुसिए, एक एक मिनट आप कर रहे हो, एक मिनट शर्मा जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता जेल से बेल पर है भ्रष्टाचार पे, कोर्ट ने तड़ी मार किया हुआ है आपको, बिल्कुल अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने अब आप दोनों अपने अपने नेताओं की सर, एक मिनट, अब आप दोनों अपने अपने नेताओं का बायोडाटा रख दीजिए, नहीं नहीं सर, वन बाय वन सर, मैं मौका दे रहा हूँ सर, आ रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोला कि जेल जमानत पर जेल से बाहर है, तो वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट से तड़ी मार है, सुप्रीम कोर्ट के जाहिर है हमारी बात को लेकर उसको गुजरात में एक साल घुसने ही मार दो सर, हम एक साल गुजरात में नहीं घुस पाए, ये झूठ फैलाना बंद करें और उसके बाद क्या हुआ, एक मिनट सर वन बाय वन चिल्लाइए मत, कहके शर्मा एक मिनट, अमन पवार उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, उसके बाद जो भी कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने वो भी बताइए, उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, आप एक साल का सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट से क्या फैसला आया, जो कोर्ट का फैसला आया हाँ। उसके बाद आज की जो कार्रवाई हो रही है मुझे लगता है उसके बाद ऐसे कई से केस खुल रहे हैं, आज की बात करिए फिर, आज की बात जो कार्रवाई हो रही है उसके कई से केस, मैं नवाब मलिक के पास आता हूं, नवाब मलिक कर रहे हैं, मेरा दामन कम गंदा तुम्हारा दामन ज्यादा गंदा, अगर यही राजनीति तब तो इंडियन पॉलिटिक्स में सर सबके ऊपर सवाल उठने चाहिए, फिर बिहार में कौन सा चुनाव था जब लालू प्रसाद यादव के यहाँ ईडी छापेमारी कर रही है, मीसा भारती कौन सा चुनाव लड़ने जा रही थी, फिर उत्तर प्रदेश में क्यों समाजवादी पार्टी के 2 MLC आ गए बीजेपी में, क्या उनके यहाँ छापेमारी हुई थी, क्या क्यों बसपा का 1 MLC वहां पर छोड़ के आ रहा है बीजेपी में, सर इसका तो मतलब जहां जहां जो भी बीजेपी में आ रहा है, जहां जहां विरोधी पार्टियों के लोग छोड़ रहे हैं वहां सब पे ईडी, सब पे इनकम टैक्स, सब पे ये एजेंसियां छापेमारी कर रही है और सबको बीजेपी डरा रही, फिर तो ये सीधा लॉजिक है पूरे देश में, नहीं एक मिनट, एक सर रुकिए, मैंने नवाब मलिक से सवाल पूछा उसको जवाब देने दीजिए, अमन पवार रुकिए, तारीख से शुरू हुआ कर्नाटकों की रेस बहुत पहले शुरू हुआ, आप बहुत बोल चुके हैं, मुझे दूसरे पैनल के पास जाना दीजिए, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, गुजरात में 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों में भयंकर नाराजगी है, चुनाव जीतेगी कि नहीं भारतीय जनता पार्टी, ये शंका देश भर में है, अब देश भर में तोड़ फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी एक वातावरण बना रही है कि देश भर से लोग बीजेपी में आ रहे हैं, तो गुजरात की जनता क्यों बीजेपी के खिलाफ जाएगी, एक रणनीति का हिस्सा है, चाहे नीतीश बाबू का साथ में जाना हो, चाहे वहां के 3 विधायकों का साथ में जाना हो, कल और राज्यों से कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा, लेकिन जो गुजरात में जनता में आक्रोश है उस आक्रोश को एक परसेप्शन बना के रोकने का प्रयास हो रहा है, दल बदल विधेयक के होते हुए चुनाव में ये बात क्यों ना माने कि गुजरात में कांग्रेस में आक्रोश है सर, शंकर सिंह वाघेला क्यों पार्टी छोड़कर आते हैं, क्यों 6 विधायक छोड़ देते हैं, क्यों चीफ व्हिप छोड़ देते हैं, जनता में आक्रोश है पार्टी में आक्रोश नहीं, ये कैसे कह सकते हैं, नहीं वाघेला जी ये हजूरिया खजूरिया वाला खेल 22 साल पहले बना, देश में दल बदल विधेयक उसी कारण बनाया गया कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, लोग पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाए नहीं, इसीलिए तो वाघेला जी के कारण तो चीजें बनाई गई, और बीजेपी ही बौखलाहट में थी कि ये जिस तरह से वाघेला जी ने बगावत किया
जिस तरह से विधायकों को खजुराहो ले जाना पड़ा उसी के कारण दल बदल विधेयक बना और वो विधेयक जो बनाया गया उसी की धज्जी उड़ाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हमें लगता है बीजेपी का जनता में असंतोष उसे कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो फिर तो राजीव रंजन तो एक मिनट, बीजेपी में है तो बीजेपी में नेता जा क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए ये नवाब मलिक साहब ये तो केवल पॉलिटिकल करियर पे गाली क्यों मार रहे हैं, केवल एमएलए की बात है, लेकिन हम लोगों के पास जो स्थानीय अखबार देखते हैं उसमें प्रखंड स्तर पर जिला स्तर पर भारी संख्या में कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अगर असंतोष होता तो इतनी खबरें जाने की नहीं आती। वो अपने पॉलिटिकल करियर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं सर? फिर नहीं अवधेश जी नेता कहां जा रहा है, नहीं जनता का मूड क्या है? पंजाब में जिस तरह से सरकार उलट के जनता ने फेंक दिया, लोग तो कहीं भी जा रहे थे। जनता का मूड है जो कहीं ना कहीं बीजेपी की घबराहट है, इसलिए परसेप्शन बनाया जा रहा है कि देश भर में लोग बीजेपी में आ रहे हैं। एक सवाल लेता हूं, आप सवाल लेता हूं, छोड़ने जा रहे हो? ओके सर, फिर मैं राजीव रंजन से सवाल लेता हूं। राजीव रंजन, फिर तो आप जनता का मूड भाप नहीं पाए, फिर तो आप उस पार्टी के साथ आपने सरकार बना ली जिसके खिलाफ जनता में बहुत गुस्सा है, और फिर आपने एक ऐसी पार्टी के साथ सरकार बना ली जो अपने विरोधियों को इस तरह निशाना बनाती है। देखिए बिहार में जनता का मूड भापना नहीं था, जनता से किए वायदों का सम्मान करना था, और दोनों स्थितियों का फर्क है। मूड भापना तो अवसरवादिता है। बुनियादी सवाल था कि जो मैंडेट हमने लिया था, मैंडेट का जो मर्म था वो था कहीं ना कहीं पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को लेकर के जनता की जो उम्मीदें नीतीश कुमार जी से थी उसके खंडित होने का जो जोखिम था वो नहीं लेना चाहते थे। उनका बराबर ये मानना था कि लालू प्रसाद जी को एक अवसर मिला है, जो कुछ भी उनके जीवन काल में हुआ है दूसरी पीढ़ी कम से कम राजनीति में जो पारदर्शिता और शुचिता का जो मान नहीं, नहीं, लालू प्रसाद जी के साथ जो कुछ हुआ वो निशाना बनाया गया, ये कह रहे हैं विरोधी, ये कह रहे हैं नवाब मलिक कि लालू प्रसाद हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो यूपी में, चाहे कर्नाटक का मामला हो, ये सब बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि उनके खिलाफ जनता में गुस्सा है तो वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो दूसरी दूसरी पार्टियों के लोग हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, खुद नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए तो हमारे हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये परसेप्शन बना रहे हैं। मैं आ रहा हूँ पंखुड़ी, इसके बाद आपके पास ही आता हूँ। मैं चाहता हूँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लगातार बातचीत होती है। देखिए नीतीश कुमार जी एक ऐसे गठबंधन के मुखिया थे जिसको बिहार ने बड़ा मैंडेट दिया है, अस्थायित्व को लेकर के कोई संकट नहीं था, और सेक्युलर पॉलिटिक्स को लेकर के जो देश में स्थितियां बनी थी उसमें नीतीश कुमार जी का चेहरा बहुत बड़ा था। यह अलग बात था कि उन्होंने बार बार कहा कि वो राज्य की सेवा करना चाहते हैं, उनकी कोई आकांक्षा देश में प्रधानमंत्री पद के दौड़ में शामिल होने की नहीं है। इसके बावजूद अगर एक गठबंधन से अलग होने का उन्होंने निर्णय लिया तो कम से कम उस असमंजस की का अनुमान लगा लीजिए, लगातार उनकी कोशिशें जारी थी। बीजेपी ऐसा कर रही है कि आपको ये लगता है सर? कर सके जी, बीजेपी ऐसा कर रही है? बीजेपी क्यों, बीजेपी करना भी चाहती वहां, नहीं नहीं गौरव जी, बीजेपी करना भी चाहती तो नीतीश कुमार जी बीजेपी के कहने पर ऐसा नहीं कर सकते थे। नीतीश कुमार जी तो उस अलायंस के सर्वमान्य नेता थे और देश में जो स्थितियां बन सकती थी उसके भी एक कद्दावर चेहरे के तौर पर उनकी पहचान थी। उन्होंने बिहार की जनता को बराबर महत्वपूर्ण माना और लोकतंत्र में जो लोक की जो भूमिका है वो सर्वोपरि है और वो बराबर। ठीक है नवाब मलिक, एक मिनट पंखुड़ी में नवाब मलिक कुछ इसी के रिएक्शन में कहना चाहते हैं, उनसे ले लूं फिर आता हूं तुरंत। और इस बार नवाब मलिक साहब बोले, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं राजू रंजन जी, जब आप 2015 में चुनाव में गए तो लालू प्रसाद यादव ये कन्विक्टेड सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी मुजरिम थे और उनके साथ आप चुनाव में गए। अगर आपको ये पसंद नहीं था तो आप मोदी जी को कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं हत्यारा है, खूनी है। इस आधार पे 2013 से आप अलग चले गए थे। अगर आप उनके साथ ना जाकर अगर चुनाव में जाते की तो शब्दावली कभी रही नहीं, नैतिकता वाले नेता है ये साबित हो जाता। अपने लेकिन में आप सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नवाब साहब के पास आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं ले रहा हूँ। मैं ओके नवाब मलिक जी, राजीव रंजन से प्रतिक्रिया ले लूं आपकी बात की, फिर मैं पंकज पाठक के पास। आपने सत्ता के लिए ये ऐसे सवाल है, इन सवालों के जरिए जो आप धार को कुंद करना चाहते हैं, पहले अपने कुनबे को बचा लीजिए। इस धार को कुंद मतलब इनके कुनबे को क्या कौन सा खतरा सर जो बचा लेंगे? नहीं और भी कोई निकल रहा है क्या इनके कुनबे से? मुझे पहले अपनी बात स्पष्ट कर लेने दीजिए।
मैं प्रहार बाद में करूंगा, पहले बचाव तो कर लूं। इन्होंने कहा लालू प्रसाद जी सजा याफ्ता थे, निश्चित तौर पर सजा याफ्ता थे, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक बड़ा आधार था और वो सत्ता में चेहरे के तौर पर उनका इस्तेमाल नहीं होने वाला था, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे थे। दूसरी पीढ़ी से अपेक्षाएं थी कि वो सत्ता में अगर शामिल होंगे उन्हें जनता के जो मानदंड है उस पर उनको खड़ा। ठीक है सर, ओके, मुझे लग रहा है मुझे डिबेट आगे बढ़ानी चाहिए। स्वाभाविक नहीं था जिस समय उनको लगा। ठीक है जी, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। पंकुड़ी, फिर तो इस हिसाब से दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल ही नहीं होना चाहिए किसी दूसरी पार्टियों में, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो उन पर ही आरोप लगेगा, या तो उनको लालच दिया गया है, या तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, और या तो उनको डराया धमकाया गया है। और इस हिसाब से तो फिर गुजरात के जो कांग्रेसी विधायक थे उन पर कांग्रेस को भरोसा होना चाहिए था कि भाई मेरे विधायक हैं और मेरी पार्टी के प्रति इनकी लॉयल्टी है, क्यों उनको कर्नाटक में रखना पड़ा कांग्रेस को, क्यों गुजरात से भगाना पड़ा? और अगर इनकम टैक्स छापा गुजरात कर्नाटक में मार सकती है तो गुजरात में क्यों नहीं मार सकती? उन विधायकों के यहाँ क्यों नहीं मार सकती जो वोट करने वाले हैं? उन विधायकों के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं बनाया जा सकता? देखिए, गुजरात में जिस तरह की स्थिति बन रही थी और कांग्रेस के जो विधायक थे जिस तरह से लगातार वो अपने आप को एक खतरे में महसूस कर रहे थे, और ये बात भी आई है कि उनको जिस तरह से डराया जा रहा था या उनको पहले लालच दिया जा रहा था, ना मानने पर डराया जा रहा था, तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस के लिए यही सबसे सही था कि सबसे पहले उनकी सुरक्षा के बारे में सोचा जाए। और वहां पे गुजरात में भाजपा की सरकार लंबे समय से रही है और सरकारी मशीनरी का किस तरह दुरुपयोग हुआ है वो भी हम देख चुके हैं, किस तरह इनकाउंटर वहां पर हुए हैं, किस तरह की कई चीजें पहले भी वहां के जो मंत्री हैं जो कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका भी नाम इस चीज में आया है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग वो लोग करते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन बन रही थी उसमें कांग्रेस के लिए अपने विधायकों की सुरक्षा को देखना जरूरी था। और जहां तक बिहार की बात है तो मैंडेट की बात क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे हैं तो मैंडेट की तो आपने बिल्कुल भी कदर नहीं करी। मैंडेट जो था बिहार का, जिस पार्टी के खिलाफ था और जिस पार्टी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, आज आप उनके साथ आपने जाके हाथ मिला लिया। और अगर सही में आपको मैंडेट की फिक्र होती तो आप जनता के बीच ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर जाते। नहीं तो फिर पंकुड़ी, इस लॉजिक से तो आपके लोग, आपके नेताओं ने उत्तर प्रदेश में फिर बिल्कुल सही किया। पंकुड़ी, इस लॉजिक से तो आपके नेताओं ने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैंडेट आपके खिलाफ गया और जिस पार्टी को मैंडेट मिला है उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। ये मैंडेट भी जो शब्द है ना, इसको सुविधा के लिए इस्तेमाल करना है कर लीजिए। आप मैंडेट, आप लोगों के बीच में जाइए, आप लोगों से पिछली बार मैंडेट लेकर के हम लोग एनडीए के साथ आए जाकर, और जब हम एनडीए के बाहर आए थे तो हमारे साथ, आई थिंक डिबेट ये नहीं है कि नीतीश कुमार कहां गया, जेडीयू कहां गई, डिबेट ये है कि कर्नाटक के विधायकों के साथ जो डीके शिवकुमार जिनके मेजबान थे, गुजरात के विधायकों के मेजबान, वहां पर छापेमारी क्यों हुई? लेकिन इस लॉजिक से तो पंखुड़ी ये है कि आपके खिलाफ मैंडेट था और आपके पार्टी के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर तो आप क्यों कह रहे हैं कि सियासी भ्रष्टाचार है, ये गलत है, बीजेपी प्रेशर बना रही है? आप ही का लॉजिक है फिर तो, ये दोनों चीजों को, आप दोनों चीजों को आपस में मत मिलाइए। मिलाए क्या, लॉजिक तो मैम एक ही, सियासत तो हर जगह एक ही जैसी होती है। चीज बिहार में हुई है लॉजिक की, बिहार में देखिए जो रूलिंग पार्टी थी वहां पर एक तरह की भूमिका बनाकर उस वहां के नेताओं को टारगेट, आई थिंक बिहार पे बहुत बात हो गई, बिहार से आगे बढ़ते हैं, बिहार से आगे बढ़ते हैं। मुक्कल नवाब जैसा 40 वर्ष पुराना समाजवादी आपकी पार्टी को छोड़ के जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, उस पर कौन सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा पड़ा था? आपकी पार्टी में उत्तर प्रदेश में भड़का लग रहा है। आपको मुबारक हो, बहुत फायदा आपको होगा। नहीं नहीं, मेरे को क्या फायदा होगा, समाजवादी को फायदा हो, किसी को हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात, आप जी की हमें तो जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जब तक थे तब तक जरूरत थी, वो आपके प्रवक्ता थे, आप बाहर चले गए तो आपको जरूरत नहीं है। भूमिका बनाई, देखिए ये मैं केवल इसलिए बात कहा हूँ कि ये जो आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जा रहा है या उससे जो जुड़ रहा है वो सीबीआई आईटी और ईडी के दबाव में, वो गलत है। वो पार्टियों में असंतोष है व्यापक स्तर पर, वो कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो, उस असंतोष के कारण लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पर तो प्रश्न मैं उठा सकता हूँ कि वो शामिल क्यों कर रही है, लेकिन उस पर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो दबाव डाल रही है। अवसरवादी राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो बुक्कल नवाब हो, चाहे वो, चलिए ठीक है, बुक्कल नवाब ने ज्वाइन, शिवपाल यादव जी भी कर रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी। शिवपाल यादव जी के विषय में क्या राय है आपकी? मुलायम सिंह जी के विषय में क्या राय है? भ्रष्टाचार में नेता थे, एक मुद्दा उसको उनके बनाने पास का पर्याप्त विधायक थे, सरकार को किसी तरह की अस्थिरता की आशंका नहीं थी,
उसके बाद अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो इस निर्णय चलिए ठीक है सर, नीतीश कुमार ने क्या किया क्या नहीं किया इससे आगे बढ़ते हैं। मैं अवधेश जी आपसे सवाल करना चाहता हूं को बचाइए। सर 70 साल हो गए आज लोकतंत्र को हारे, 70 साल हो गए आजादी को, उसके बावजूद पार्टियों को अपने विधायकों की परेड करानी पड़ रही है, उसके बावजूद उनको छुपा के दूसरे स्टेट में रखना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स में तो यहाँ आज भी वही हालत है। फिर देखिए राजनीति जो ये तस्वीरें देखिए, परेड की तस्वीरें हैं ये सामने, बिल्कुल ये तस्वीरें हम लोगों ने पहले भी देखी है। देखिए राजनीति पहले मूल्यों और मुद्दों पर आधारित थी, जो 1947 से आप बात कर रहे हैं। राजनीति में लोग समाज और जनता की सेवा के लिए जब तक आते थे उनके लिए पार्टी और नेतृत्व दोनों में निष्ठा होती थी। लेकिन राजनीति जब सत्ता का केवल साधन हो जाएगा, राजनीतिक नेता जो पार्टी का नेता है उसके लिए सत्ता प्रमुख हो जाएगा, तो ऐसी ही स्थिति होगी। जहां सत्ता दिखेगा वहां लोग जाएंगे। जब राजनीति, इसलिए जरूरत तो इस समय है कि हर पार्टी में, ये केवल एक कांग्रेस का सवाल नहीं है, ज्यादातर पार्टियां इसी का शिकार है। और कांग्रेस में चुकी कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और इस समय कांग्रेस एक साथ नीति रणनीति नेतृत्व तीनों स्तर पर संभ्रम का शिकार है, उसमें असंतोष ज्यादा दिखता है, सत्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए राजनीति में व्यापक बदलाव की जरूरत है। समाज के लिए संघर्ष करने वाले, जनता के लिए आवाज उठाने वाले, मूल्य और मुद्दों की बात करने वाले ऐसे लोग राजनीति में आए, ऐसे लोग पार्टियों का नेतृत्व करें, तब यह समस्या नहीं होगी। लेकिन हमारी राजनीति इससे च्युत हो चुकी है इस समय। ठीक है सर, ठीक। और अमन पवार, अगर राजनीति में सब कुछ जायज है, आज की राजनीति में सब कुछ जायज है, तो यह मानिए आप कि आपको चुनाव दर चुनाव और हर इलेक्शन पे आपको मुंह की खानी पड़ रही है, और एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में जो स्ट्रेटजी दिख रही बीजेपी की, उसके आगे कांग्रेस के पास उसका कोई हल दिख नहीं रहा है और इसलिए बेबी क्राई हो रहा है। देखिए ये हो सकता है आपकी सोच हो, पर मैं इससे वाकिफ नहीं करता, क्योंकि हमने उतार चढ़ाव कई बार देखे हैं और कांग्रेस पार्टी एक बहुत लंबे समय से चलती हुई पार्टी है और उतार चढ़ाव पहले भी कई बार हुए हैं। अभी भी पंजाब जैसी एक स्टेट ने, बड़ी स्टेट ने हम पे, हमारी पार्टी के अंदर विश्वास करा और हम वहां पर चुन करके आए हैं। अभी हमारे लिए शायद थोड़ा संघर्ष का समय है, पर आज सवाल है कि जिस तरीके से स्टेट मशीनरी मिसयूज करी जा रही है, यही लोग जब गुजरात में थे, जब गुजरात में मिसयूज हो रहा था, अब सेंटर में हो गए तो सेंटर एजेंसीज को मिसयूज किया जा रहा है। दो बाय इलेक्शन पे कर्नाटका में कांग्रेस की अभी 2 महीने पहले जीत हुई, जब डीके शिव कुमार के घर पे छापा और बाकी जगह पे जो छापा आईटी ने मारा, उससे एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका में भी चुनाव है। मैं मेरे को बात खत्म कर दीजिए, मैं सवाल का जवाब कि कर्नाटका में भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के एमएलए को किसी ने पानी भी पिलाया तो उसका ये हशर होगा जो अभी यहाँ पे टीवी पे इनके साथ हो रहा है। तो जो डरा के धमकाने करने की राजनीति, जिसका हमारा संविधान कहीं पर भी इजाजत नहीं देता, उस तरीके की राजनीति आज बीजेपी करना चाह रही है। पर जनता की अदालत में जब इनका फैसला होगा तो इनको अपना पटेल आपकी अध्यक्ष राजनीतिक सचिव है, तो क्यों ना माने कि आपके लिए नाक की लड़ाई बन गई है, और क्योंकि अहमद पटेल चुनाव हार सकते हैं और आपके लिए अहमद पटेल के चुनाव की बात नहीं है। नहीं अहमद पटेल नहीं, मैं आपको बता देता हूं गौरव जी, इस मिसकंसेप्शन में मत रहिए, हर चुनाव हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अहमद पटेल जी का चुनाव हो या किसी और का चुनाव हो। अगर जो वोटर है आज एमएलए वोटर है, कल को ये भी हो सकता है कि जब आम जनता वोटर है उनके साथ भी कोई बदसलूकी, अगर जो रूलिंग पार्टी है, पार्टी इन पावर है, वो उनको डरा धमका के आपके घर वालों को डरा धमका के वोटिंग करेगी, तो क्या आज क्या कांग्रेस पार्टी या बाकी जो जितना जो वर्ग है वो चुप हो जाएगा? के शर्मा, अहमद पटेल से आपकी पार्टी की कोई अदावत है? आप उनको राज्यसभा जाने में आपको क्या दिक्कत है अगर राज्यसभा चले जाते हैं तो? हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब, लेकिन चुनाव है, चुनाव की तरह लड़ेंगे हम, और चुनाव की तरह हम लड़ रहे हैं उसमें। और इनके लोग यदि टूट के बाहर जा रहे हैं और पीछे वाले लोग क्यों लड़ रहे हैं, चुनाव की तरह लड़िए, मैदान में लड़िए, तो उसमें एक मिनट साहब मुझे बोलने दीजिए, तो यदि टूट के जा रहे हैं तो उसमें हमारा क्या दोष है? अब हम ये तो कहने ना जाए भाई कि भाई विपक्षी दल जो है वो एक हो रहो ये रहो, ये काम हमारा तो है नहीं। लेकिन मैं एक जवाब नवाब साहब जो बोल रहे थे, मैं दे रहा हूँ उस पर एक कमेंट्स करना चाहता हूँ। नवाब को नहीं बोले आप, नवाब साहब कह रहे थे कि साहब वो गुजरात में जनता विरोध में है फलाना है। अरे जनाब साहब, आप महाराष्ट्र की जनता का तो मूड भाप नहीं पाए, आप गुजरात की जनता का मूड भापने की बात कर रहे हैं जहां पर आप चुनाव लड़ रहे थे। और दूसरा, आप एक जो अभी प्रश्न उठा रहे थे सिद्धांतों का, विचारों का, आप तो इसी कांग्रेस से विदेशी मूल के मुद्दे पर अलग हुए थे और आज आप उन्हीं के साथ बैठे हैं, आप उन्हीं के सहयोगी हो गए हैं। आपने क्यों अलग पार्टी बनाई थी? इसी विदेशी मूल के मुद्दे पर बनाई थी ना।
तो नवाब साहब ये मौके मौके पर जो आप प्रश्न जो उठाते रहते हैं, गुजरात में हार रहे हैं, गुजरात में हमारे इतने वर्षों, अभी अभी लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आपने देखा, लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं, पंचायत से लेकर हम जो है वहां लोकसभा तक हम कंटिन्यू चुनाव जीत रहे हैं, और आप वहां हमको एक रीजन बता रहे हैं तो कि आप वहां जनता विरोधी हो गए, धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई धनबल की वहां वो जरूरत नहीं है। और पटेल से क्या समस्या है आपको कि उनको किसी तरह आप राज्यसभा में नहीं भेजाने देना चाहते? किसी तरह का भी तो बात है, ये जो निश्चित तौर से इनके ही विधायक उसके विरुद्ध बैठे हैं, इनके ही विधायकों में असंतोष है, इनके ही विधायक हट रहे हैं उनसे, और वो लोग जो है हटके जो है अलग से यदि अपना मतलब वोट इनको नहीं देना चाहते तो उसमें हम क्या करेंगे जनाब? नहीं, हम क्या करेंगे उसमें? नहीं नहीं, अहमद पटेल से दिक्कत क्या है? प्रदेश जी, आपको मालूम है कोई दिक्कत है? एक मिनट, नवाब मलिक साहब, के के शर्मा जी एक मिनट में जवाब दे दूं मैं। के शर्मा जी, शायद आप गुजरात के चुनाव के नतीजे नहीं जानते। ग्रामीण भाग के जिला परिषद के चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। 2002 में जो परिस्थिति थी उसके बाद जो गोधरा का मामला करके आपने चुनाव जीता, इस बार आप गोधरा जैसे हालात नहीं बना सकते। आप परसेप्शन का खेल खेल रहे हो। पूरी तरह से ग्रामीण चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। नतीजा गूगल पे जाकर देख लीजिए, आप भ्रमित करने का काम ना करें लोग। मलिक साहब, मैं आपको निवेदन कर दूं, मैं 2012 के चुनाव में भी गुजरात में रहा हूं, 2007 के चुनाव में भी गुजरात में रहा हूं, और मैंने वहां प्रवास करके डेढ़ दो दो महीने वहां के चुनाव देखे हैं। वहां चुनाव से पहले यही कांग्रेस और आप मिलकर यही आवाज लगाते हैं कि आवे छे आवे छे आवे छे, और चुनाव जाते ही आप लोग का जनता आपको जावे छे जावे छे जावे छे करती है वहां की। और ये आपने केवल लोकसभा, आपको लोकसभा का रिजल्ट आपके सामने है, विधानसभा के रिजल्ट आपके सामने है, और एक नहीं चार चार लोकसभा विधानसभा के आपके सामने है, आप देख लीजिए उसको। अबे तुमने पता नहीं शर्मा, गुजरात, चलिए सर, गुजराती भी सीख गए थोड़ी बहुत हम लोग इस डिबेट में, लेकिन गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजराती की बात नहीं कर रहे। मैं अहमद पटेल के बारे में सवाल पूछ रहा था उदेश जी आपसे, अहमद पटेल को लेकर कोई वाकई अदावत है? देखिए, जैसे केंद्रीय स्तर पर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है, लगभग गुजरात में नेताओं कांग्रेस के बीच वही हैसियत अहमद पटेल की है। अगर भारतीय जनता पार्टी अहमद पटेल को राज्यसभा में भेजने से रोक पाती है तो इसका बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश होगा, और वो संदेश ऐसा होगा कि कांग्रेस में बल्कि एक बड़ा टूट फूट हो सकता है, क्योंकि अहमद पटेल कांग्रेस की एकता के एक बड़े कारण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रणनीति के हिसाब से कहा तो यह भी जाता है कि कांग्रेस के चाणक्य भी है, यही चाणक्य है, तो ये फिट कांग्रेस की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के हिसाब से फिट बैठता है कि किसी तरह जैसे भी हो अहमद पटेल को राज्यसभा में पहुंचने न दिया जाए, ताकि गुजरात के कांग्रेस को हम जो संदेश देना चाहते हैं वो जाए, और ये जो कांग्रेस मुक्त भारत बोलते हैं ना, उसका शायद लक्ष्य प्राप्त। देखते समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो चाणक्य को ही घेर लिया है बीजेपी के चाणक्य ने, और अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन वाकई गुजरात में चुनाव से पहले जो कांग्रेस के एक मंत्री के यहाँ कर्नाटक में छापेमारी पड़ी, उसको लेकर जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, वो सवाल क्या वाकई चुनाव से जुड़कर देखे जाने चाहिए, ये आप तय कीजिए। बिग स्टोरी बिग डिबेट, आज बस इतना ही। नमस्कार।